आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज, रब्त करें 9390610436 पर। सुल्तानुल उलूम जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम खाजीपुरा शाहली बंडा हैदराबाद। एडमिशंस आर इन प्रोग्रेस फॉर एमपीसी, बाईपीसी, सीईसी, एमईसी, एमसेट एंड नीट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2005। अफोर्डेबल फीस, स्पेशियस क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइजीनिक, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। सुल्तानुल उलूम जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम खाजीपुरा शाहली बंडा हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 17 मई की देखते हैं स्पीड न्यूज़। मस्जिद अक्सा में यहूदी आबादकारों के लिए इसराइल की स्पेशल फोर्सेस फलस्तीनी बाशिंदों को क़िबले अव्वल में दाखिल होने से रोकने खड़ी की गई रुकावटें। फलस्तीन के मुतादिद इलाकों में फलस्तीनियों और इसराइली फोर्सेस के दरमियान झड़पें, सहयूनी पुलिस की जानिब से फलस्तीनियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। नकबा की 75वीं बरसी फलस्तीन भर में एहतजाज, अरब पार्लियामेंट ने इसराइल हुकूमत को जराइम का मुकाबला करने फलस्तीनी अवाम की हिमायत और नुसरत का किया इरादा। सल्तनत उस्मानिया के दौर के खात्मे के बाद पहली बार तुर्किया में दूसरे राउंड की पोलिंग, 28 मई को रन ऑफ मरहले का ऐलान। तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा, हमारी वापसी यकीनी। मौलवी अब्दुल कबीर बने अफगानिस्तान के नए वजीर आजम, तालिबान के रहनुमा मुल्ला हैबतुल्ला अकुंदजादा ने मुल्ला मोहम्मद हसन अकुंद को किया सबकोश। यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूसी सदर पुतिन, मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत करने के लिए गोशा, कहा तेजी से तरक्की कर रहे मुस्लिम ममालिक। यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर रूस ने की मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश, कीव सिटी मिलिट्री ने दी इत्तला, कुछ मिसाइल हमलों को फिजाई हदूद में ही कर दिया गया तबाह। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को पाकिस्तान में आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला, शहबाज शरीफ ने इसे करार दिया पाकिस्तानी तारीख का सियाह बाब, कहा होगी कार्रवाई। नाइजीरिया के अनाम्बरा में अमेरिकी सिफारतखाने पर हमला, सिफारतखाने में काम करने वाले दो स्टाफ और दो पुलिस अहलकार हलाक, तीन को अगवा कर हमलावर फरार। मेक्सिको के हडाल्गो में फुटबॉल ग्राउंड में मुसल्ला अफराद का हमला, 6 अफराद हलाक, हमसाया सूबों के रिहायशों की तरफ से दुश्मनी की बिना पर किया गया हमला। साइक्लोन मोचा की म्यांमार में तबाही, सूबे रेघाइन के दारुलकूमत के कुछ हिस्सों में आया सैलाब, अब तक 81 अफराद की मौत, दर्जनों जख्मी। मोदी के दौरे अमेरिका से पहले अमेरिका ने एक बार फिर भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल पर जाहिर की तशवीश, सालाना रिपोर्ट में कई वाकयात का किया तस्करा। दिगर ला स्टोरी फिल्म में मन घड़त फैक्ट्स रिलीज करने पर हो सकते थे दंगे, ममता हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर बताई फिल्म पर पाबंदी की वजह। कर्नाटक के किंग बने सिद्धरामैया, कल सीएम ओहदे का ले सकते हैं हलफ, डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम समेत दो दीगर वजारतें देने की भी कयास आ रही। मनी लॉन्ड्रिंग केस, 1 साल से जेल में बंद महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक की दरख्वास्त जमानत पर फौरी समाअत करने से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया इनकार। पुलवामा हमले को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर संगीन इल्जाम लगाने वाले साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के करीबी के घरों पर सीबीआई के छापे। भारत में सोशल मीडिया पर बच्चों के जंसी इस्तेहसाल के मवाद में बेहद इजाफा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मरकजी और रियासती हुकूमतों को जारी किया नोटिस। ईडी ऑफिसर्स पर फिर बरसे आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह, कहा धमकाना बंद करो, ईडी और सीबीआई पर मोदी के इशारों पर काम करने का लगाया इल्जाम। बाबरी मस्जिद मामले में मुस्लिम फरीक के वकील, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर जफरयाब जीलानी 73 साल की उम्र में कर गए इंतकाल, तवील अरसे से बीमारी में थे मुब्तला। तेलंगाना में बीआरएस से अलायंस के इम्कानात को सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कर दिया मुस्तरद, कहा तेलंगाना में कांग्रेस तनहा करेगी मुकाबला।
तेलंगाना में इस साल आखिर में इलेक्शन, कांग्रेस से बातचीत की अफवाहों को लेकर शर्मिला का बड़ा बयान, कहा केसीआर को बेदखल करने किसी से भी बातचीत के लिए तैयार। महाराष्ट्र में बीआरएस की बढ़ती मकबूलियत, अब महाराष्ट्र के कई खवातीन लीडर्स की सीएम केसीआर से मुलाकात, बीआरएस में शमूलियत की इख्तियार। ड्राइविंग तरबियत याफ्ता बेरोजगारों के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू ड्राइवर एम्पावरमेंट प्रोग्राम के तहत अकलियती इस्तेफादा कुनिंदगान में 20 कारें की गई तकसीम। तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर, धूप के कहर की वजह शहर की सड़कें वीरान, रियासत भर में मंगल को लू लगने से यानी सनस्ट्रोक की वजह 17 अफराद की हुई मौत। हैदराबाद में सोने की कीमतों में कमी, 24 कैरेट सोना 62,500 रुपये जबकि प्योर चांदी 740 रुपये फी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम आरएस यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड ऑपोजिट केनारा बैंक हैदराबाद। तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।